दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस कुरान पाक के सही पढ़ने और इसके सही समझने और इस पर सही मायनों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सुन तो रहा था गुफ्तगू, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा है कि मौलाना साहब ने कहा कि हमारे मिंबर पर तौहीद की बात ही नहीं होती। मैं कहता हूं इस मौलवी को खुद तौहीद का पता ही नहीं कि तौहीद क्या है। मैं समझ इसको तौहीद का ही इलम नहीं कि तौहीद क्या है। जिस वक्त तुमने अल्लाह समझाना हमें कागजों में, वो अल्लाह नहीं है। जो मैंने कुरान से आयत पढ़ी है, कुरान में आयत ना हो तो मेरा कत्ल माफ, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। मशहूर आयत मैंने पढ़ी है सूरह रहमान में, आवाज खलक आती है कि कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। तर्जमा नवाब सदीकुल हसन भोपाली अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबू लाला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर काम शाह बरेलवी, मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी, फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी। भाई मेरा साथ देना है, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें समझाऊं, और मेरा दिल बहुत जख्मी हो गया है कि जिस वक्त को मैं हकीकत समझ के मिंबर पे आया था, क्या तौहीद इस चीज का नाम है कि वलायत अली को बंदा छोड़ दे? मैं समझ आ रही है, क्या इसको तौहीद कहते हो? सलवात पर बवाजे बुलंद, बस और मेहरबानी जनाब, ये बात हो रही है कि तौहीद पे तौहीद क्या है। खबरदार, तुम तौहीद का डॉक्टर जाकर आले मोहम्मद के दुश्मन बनाते हो। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस मेंबर पे बैठ, तुम्हें पता ही नहीं तौहीद क्या है। लो सुनो, फिर कुरान लिखे रहे कुल्लू मन अली जफान, हर चीज फना हो जाए, हर चीज फना हो जाए। वाया बका वजह रब्बी का जुल जलाल वाले करम, बाकी क्या रहेगा? तेरे अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। अल्लाह का दरनानी शाह साहब, अल्लाह का, अब जिस अल्लाह को मौलवी अल्लाह मानता है उसका तो चेहरा ही नहीं। भाई समझ आ रही है ना, जिस अल्लाह को मौलवी अल्लाह कहता है वो कहता है उसका तो चेहरा ही नहीं। मौलवी कहता है अल्लाह का चेहरा नहीं, अल्लाह खुद कहता है मेरा चेहरा है। भाई खा गई जुमला, मैं समझ आ रही हूं, अल्लाह कहता है मेरा चेहरा है, मौलवी कहता है अल्लाह का चेहरा ही नहीं। तो पता चल गया ना, मौलवी को तौहीद का पता ही नहीं, तौहीद का सिर्फ चेहरा नहीं। मैं और आयत कुरान से पढ़ देता हूं, पढ़ूं आयत, इसमें अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा शाह साहब चेहरा, अल्लाह कहता है मेरा चेहरा, मौलवी कहता है अल्लाह का चेहरा ही नहीं। तवज्जो रखिएगा मेरे भाई, कुरान पढ़ाऊं ना, लो दूसरी आयत फिर पढ़ देता हूं सूरत हूद से। जब अल्लाह ने फरमाया ना शाह साहब जनाब नूह को कि तुम कश्ती बनाओ, बनाओ कैसे? अल्लाह फरमाया आज नूह लेना, ए नूह तू कश्ती बना मेरी आंखों के सामने। मेरी आंखों के, अब साबित हो गया अल्लाह की आंखें भी हैं, अल्लाह का चेहरा भी है। मैं बात की समझा रही है, और आयत पढ़ देता हूं कुरान से, आंखें भी चेहरा भी। लो सूरत आले इमरान निकाल के पढ़ देना, आवाज खाल कहती है फायो हजर कुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह तुमको अपने नफस से डराता है। भाई खा गई जुमला, अल्लाह तुमको अपनी जान से डराता है, अपने आप से नहीं। भाई खा गई जुमला, अल्लाह तुमको अपने नफ्स से डराता है, अल्लाह तुमको अपनी जान से डराता है। तो पता चल गया ना, अल्लाह की कोई जान भी है। तवज्जो रखिएगा मेरे भाई,
ऐसा कोई नफ्स भी है, आंखें भी साबित शैसा, चेहरा भी, जान भी। अगर नहीं समझा और पढ़ू है, लो पारा नंबर 23 है, सूरह साद है, कुरान में आए ना हो फिर मैं मुजरम, तर्जमा गलत हूं मैं वाजिबुल कत्ल। सुन आवाजें खल कहती है, काला या इबलीस हो मा मन आका अन असजुदा लिमा खलक्तु बियदिया। अल्लाह फरमाता है, ऐ इबलीस तुझे किस चीज ने मना किया कि तूने उसे सजदा ना किया, खलक्तु बियदिया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से, दोनों हाथों से, उजी बोलो भाई दोनों हाथों से। अब अल्लाह के हाथ भी साबित हो गए ना, तो मौलवी का तो अल्लाह के हाथ ही नहीं, तो इसको तौहीद का इल्म कैसे होगा जब ये खुद तौहीद को नहीं समझता। इसे क्या हक है कि कहे शीरों के स्टेज पे तौहीद नहीं होती। तुम्हें तौहीद का इल्म नहीं है, लेकिन खुदा पहले तौहीद का पता करो ना, तौहीद है क्या। तो मौलवी ने फिर लिख दिया, क्या लिखा मौलवी ने, लिखा अल्लाह खुद कयामत के दिन कुर्सी पे बैठेगा, कुर्सी पे, और नीचे से कुर्सी चीर चीर करेगी, क्योंकि अल्लाह का वजन नहीं उठा सके। अल्लाह कुर्सी पे खुद बैठेगा। सलवात पढ़ो बाबा दे बोला भाई, तो समझा रही है तौहीद की, ओ तौहीद की समझा रही है। तौहीद वो है जो कहती है मेरे हाथ हैं, तौहीद कहती है मेरा चेहरा भी है, तौहीद कहती है मेरा नफ्स भी है, तौहीद कहती है मेरे पांव भी हैं, तौहीद कहती है मेरी आंखें भी हैं। तो जिनकी तौहीद की आंखें ही ना हो, जिनके चेहरे की तौहीद का चेहरा ही ना हो, जिनके अल्लाह का पता ही ना हो, अल्लाह है क्या। भाई समझा रही, लेकिन याद रख लो शिया सुनो दोस्तों, मेरा भाई कहता अल्लाह कयामत के दिन कुर्सी पे शाह साहब खुद बैठेगा और खुद हिसाब लेगा। पहले तो मौलवी को इस बात की समझ नहीं, अल्लाह की तो शान के खिलाफ है वो बंदे का हिसाब ले। बात समझ आ रही मैं समझ आ रही हूं। ओए इमाम जमाना का लंगर खाकर इमाम के खिलाफ तबलीग करने वाले कुरान के बागियों, अल्लाह की शान के खिलाफ है कि वो बंदे का हिसाब ले। क्यों? हमेशा सबक वो सुनता है जिसने पहले बच्चे को सबक पढ़ाया हो। भाई बड़ा जुमला कह गया, अल्लाह की निशान के खिलाफ है। क्यों? अल्लाह कुरान में कहता है वो काम, वो हुक्म किसी को ना दो जिससे पहले आप खुद अमल ना करो। अगर खुदा हास्ता बंदा क्यामत के दिन बंदे, अल्लाह क्यामत के दिन बंदे से कहे भाई तूने नमाज पढ़ी है, क्यों नहीं पढ़ी, तो अगर बंदा खुद कह दे तू पहले बता, तू पढ़ी थी।